भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले इनके 193वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में शहर के नरेंद्र नगर स्थित NIT गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नाटिका, गीत गायन, सामूहिक नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने सहभाग लिया था। कई वर्षों से जो हम सपना देख रहे थे, आज हजारों साल से शिक्षा से वंचित इन महिलाओं को तुमने शिक्षा देकर एक ज्ञान की एक मशाल जला ली। अब देखना सावित्री, एक नए भारत का निर्माण होगा। हाँ, हम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है सेठ जी। ज्योतिबा, ओ ज्योतिबा, ज्योतिबा, क्या हुआ पिताजी? मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा था, पर हुआ क्या पिताजी? तुम और सावित्री दोनों मिलकर महिलाओं में शिक्षा और ज्ञान की बीमारी फैला रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा देना पाप है? पर पिताजी, शिक्षा देना कब से पाप हो गया? शिक्षा देना पाप नहीं है ज्योतिबा, लेकिन महिलाओं को शिक्षा देना महापाप है। हम हजारों साल से हमारी जो परंपरा है और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन्हें तोड़ना पड़े। अंधविश्वास और आडंबर फैलाती है, ऐसी रीति रिवाजों को टूट जाना ही अच्छा। आज का कार्यक्रम हा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्त अपन आयोजित केलेला आहे। आणि हा कार्यक्रम जो आहे प्रामुख्याने की जी शिक्षणाची मूल्य आहेत की उच्च शिक्षण सर्वांना मिळावं, समान संधी मिळावी, भारतीय संविधानानुसार स्त्री पुरुष समानतेला जे प्राधान्य दिलं गेलं आहे आणि जी मूल्य आहे संविधानिक मूल्य, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, आणि ही जी मूल्य आहे ही लहान मनांमध्ये मुलांमध्ये रुजावीत म्हणून हा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस म्हणून मुवमेंट 21 तर्फे हा देशभरामध्ये साजरा केला जातो आणि त्याचाच कित्ता म्हणून आज नागपूर शहरामध्ये हा नॅशनल टीचर्स डे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आपण मनवत आहोत। आणि यामागे मुवमेंट 21 सोबत अनेक समविचारी संघटना आहेत, अनेक कॉलेजेसचे विद्यार्थी आहेत, विद्यार्थिनी आहेत आणि यांनी मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमात भाग घेतलेला आहे। त्यामध्ये एकांकिका आहेत, पथनाट्य आहेत, गाणे आहेत, डान्स आहेत आणि सांस्कृतिक माध्यमातून कल्चरल कॅपिटल उभं झालं पाहिजे यासाठी सांस्कृतिक माध्यमातून सावित्रीबाईंचे विचार, महात्मा फुल्यांचे विचार, संविधानिक मूल्यांचे विचार लोकांमध्ये गेले पाहिजे, हा प्रमुख हेतू आहे। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।